अखिलेश यादव ने उपचुनाव के बीच कर दिया बड़ा धमाका, खुले मंच से कर दिया ऐलान और सत्ता पलट के दे दिए पुख्ता सबूत, अब बीजेपी का क्या होगा। उपचुनाव से पहले ही बदली जा रही तारीखें और उठ रहे सत्ताधारियों की ताकत पर सवाल, अब बीजेपी उम्मीदवार ने ही पहन ली टोपी तो कईयों की खोपड़ी चटकी। चुनावी मंच से अखिलेश यादव के सत्ता पलट के खुल्लम खुल्ला ऐलान ने बीजेपी वालों के तोते उड़ा दिए। क्या वाकई ऐसा हो सकता है और क्या वाकई अखिलेश यादव उपचुनाव के बाद कुछ बड़ा करने वाले हैं? उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की जंग जारी है और बीजेपी में सत्ता बचाने के साथ ही सीएम की कुर्सी को सुरक्षित रखने का खौफ दिखाई दे रहा है। उपचुनाव में हार जीत तो बाद की बात है, लेकिन पहले सत्ता बचानी है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा ऐलान किया है जिसने तहलका मचा दिया है और सत्ताधारियों की नींव को झकझोर कर रख दिया है। बीजेपी की पहले कोशिश थी कि कैसे भी हो उपचुनाव जीतना है, लेकिन अब जद्दोजहद इस बात को लेकर है कि कैसे अपनी सत्ता पर पकड़ को मजबूत किया जाए, क्योंकि उपचुनाव का प्रचार करने पहुंचे अखिलेश यादव ने खुले मंच से एक बड़ा ऐलान किया और साफ संकेत दिए कि सत्ता परिवर्तन का खेल पर्दे के पीछे जारी है। सिर्फ इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने बीजेपी उम्मीदवार के टोपी पहनने पर भी सवाल खड़े कर दिए और जो कहा उसने चौंका दिया। आप सोच रहे होंगे कि क्या हवा हवाई दावे किए जा रहे हैं और क्या शगुफा छोड़ा जा रहा है, तो फिर हमारी बात पर यकीन करने से पहले आप अखिलेश यादव को ही सुन लीजिए, उन्होंने खुले मंच से क्या कहा। आपका वोट इतना है कि उसको भी टोपी पहननी पड़ रही है, और अगर योगी जी को पता लग जाए कि टोपी पहन ली तो बताओ उसका क्या होगा। वही होगा लखीमपुर में जो विधायक के झापड़ मारा था किसी ने, वो सब विधायक तैयार हैं इस बार। बताओ विधायक को झापड़ मारा था कि नहीं मारा था, क्या हुआ विधायक को झापड़ मारा? वो सब विधायक बैठे हुए हैं गिनती कर करके, बस वो इंतजार कर रहे हैं। हमने डिस्काउंट भी दिया था, ऑफर भी दिया था, वो ऑफर हमारा जारी है, अंदर ही अंदर जारी है, ऊपर नहीं बताएंगे, हमारा ऑफर अंदर ही अंदर जारी है। ये वीडियो कुंदरकी विधानसभा सीट का है, जहां सपा चीफ अखिलेश यादव चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इसी मौके पर अखिलेश यादव ने जहां बीजेपी विधायकों को खुला ऑफर दिया और कहा कि पुराना ऑफर अब भी बरकरार है, तो वहीं बीजेपी के कुंदरकी विधानसभा सीट से उम्मीदवार के टोपी पहनने पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि देखिए आपकी टोपी की ताकत, जो टोपी से दूर भागते थे वो खुद टोपी पहन रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव खुले मंच से बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह की बात कर रहे थे। दरअसल यूपी बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर वासिता अली ने रामवीर सिंह के समर्थन में मुसलमान मतदाताओं की एक बैठक आयोजित की थी, जहां पर आए लोगों से बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने और उन्हें जिताने की शपथ दिलवाई गई। हालांकि इस बैठक में बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर की भाईजान लुक वाली तस्वीरें सामने आने के बाद विपक्ष नेता तंज कस रहे हैं। कुंदर की सीट से सपा ने पूर्व विधायक हाजी रिजवान को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने ठाकुर रामवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर दर्जन भर प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें रामवीर सिंह को छोड़कर सभी मुस्लिम प्रत्याशी हैं। ऐसे में यहां पर मामला काफी टेढ़ा होता जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी होने की वजह से कुंदर की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का वोट कट सकता है और फायदा बीजेपी को हो सकता है। हालांकि यहां पर किस तरीके का माहौल है वो तो चुनावों के बाद ही पता चलेगा, जब नतीजे घोषित किए जाएंगे। फिलहाल हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।